अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम खेलने जा रहे हैं लॉकी क्राफ्ट एक न्यू वर्ल्ड में। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, और मेरी जो है जो सिटी है वो कहाँ गई। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। तो मैंने ये न्यू वर्ल्ड बनाया है सिर्फ और सिर्फ बिग कासल की वजह से, क्योंकि मुझे जो है वो एक बिग कासल भी बनाना है और स्पेसीज भी कंटिन्यू करनी है। उसके जो है वीडियो सीरीज के वो भी आते रहेंगे और साथ साथ ये भी आते रहेंगे। तो आप एंजॉय करना और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो अभी जल्दी से जो है वो इसको सरफेस करते हैं, पूरा क्लीन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा गंद बचा हुआ है, तो इसको जल्दी से जो है ना वो लाइन लाइन टू लाइन इसको बनाते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये जो है वो किस वजह से बना रहा हूँ कासल और क्यों बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो ये इसको क्लीन करना है, और ये सरफेस जो है वो लाइन टू लाइन हो जाना चाहिए। तो पहले करते हैं, फिर अब मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों बना रहा हूँ। तो गाइस, मैं ये सरफेस जो है वो पूरा क्लीन कर चुका हूँ। तो मुझे पूरा एक दिन लग गया था माइनक्राफ्ट, सॉरी लॉकी क्राफ्ट का एक दिन। तो अभी जो है हम बनाएंगे बाउंड्री। इसकी जो बाउंड्री होगी वो अभी तो हम छोटी बाउंड्री में ही काम गुजारा करेंगे, बट ये जो है वो कवर करेंगे बाउंड्री पूरी सारी। देन ही आगे कट करके एक बिग कासल में तब्दील कर लेंगे। तो मैप तो है वो अनलिमिटेड है, और हमारा जो कासल है वो मैप के इतना तो नहीं होगा, बट बहुत बड़ा हो सकता है। एक न्यू सरप्राइज होगी, और ये न्यू एपिसोड के साथ जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो बाउंड्री कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये लग रही है, ऊपर से व्यूज़ भी दिखाऊंगा। तो हाँ गाइस, ये देखो अभी भी इनकम्प्लीट चल रहा है ये कासल, और अभी भी बहुत सरफेस जो है वो क्लीन करना है कुछ जगह पे। तो जल्दी से हम बाउंड्री लगाते हैं, फिर मैं अपना एक घर बनाऊंगा, और घर बनाने के बाद जो है वो काम करेंगे। तो वहीं पर रहेंगे इसी अंडर एरिया में, तो कहीं नहीं जाएंगे। अभी जल्दी से जो है ना वो कहीं भी जगह पर अपना घर बनाते हैं, फिर मैं आपको सुबह जाकर अपना व्यू दिखाऊंगा और इस बाउंड्री को भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ही रूम बनाते हैं जहाँ पर अपनी बेड हो सके, और रात भी होने वाली है तो अभी सोना तो पड़ेगा ना। यहाँ यहाँ बाहर सोना बहुत खतरा होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स आते हैं। तो आपसे मिलता हूँ सुबह को। तो सुबह तो हो गई है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क जो रहता है, और यहाँ पर चारों दीवार आएगी। तो सबसे पहले ये काम करते हैं फास्ट, जो जो कि मुझे आज ही करना होगा, क्योंकि आज ही करूँगा तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स जो है वो नहीं आएंगे। एक दो आ सकते हैं, बट यूजुअली नहीं आ सकते। यहाँ पर बाउंड्री लग चुकी होगी, तो जल्दी से अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसा ये व्यू लग रहा है ऊपर से। तो काम करते करते यहाँ पर शाम हो गई है, और अभी जो है वो रात भी होने वाली है। तो अभी ये कंप्लीट करके फिर हम सो जाते हैं, फिर मैं कल काम करूँगा। तो अभी हम जो है वो ये कंप्लीट करते हैं, फिर सो जाते हैं। देन ये देखो भाई, ये पूरी दीवार हो गई है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरी क्लीन करते हैं। यहाँ पर लाइन जो है अभी भी अंधेरा नहीं हुआ, तो जल्दी से काम करते हैं। फिर जो है जब रात हो जाएगी तो
काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता, सही है ना। तो अभी जो है वो मैं आपको सुबह को दिखाऊंगा इसका लुक वाइज, तो कैसा ये लग रहा है। अभी जल्दी से चलते हैं सोने और फिर जो है सुबह को काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अमेजिंग चीज़ होने वाली है, तो आप वीडियो को लाइक करना। तो भाई सुबह तो हो गई है, अब चलते हैं काम करते हैं, और हमको बहुत सारा काम इनकम्प्लीट है, तो अभी जो है वो काम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स भी आ चुके हैं, तो हम तो अपना काम करते हैं, क्योंकि ये तो क्रिएटिव मूड है, तो हमको तो कुछ नहीं करेंगे, हम उनको ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ। तो अभी जो है हम यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं पूरा, यहाँ पर जो ऊपर वाला है सिस्टम उसको काट रहे हैं। तो अभी जो जल्दी से काटते हैं, फिर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा और आगे वर्क करेंगे। तो अभी जो है हम अपनी डायमंड जो है वो निकाल रहे हैं, तो इससे जल्दी हो रहा है, तो इससे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ कि ये जो है कासल कितना बड़ा है और कितना जो है साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी बहुत काम सारा बाकी है, तो अभी जल्दी से इसको काटते हैं और फिर जो है देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा हमको। पिछले 2 दिन से मैं ये काटता जा रहा हूँ, अभी तक ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो जल्दी से अब थोड़ा ही बचा है, मैंने देखा है, तो अभी जल्दी से जो है वो इसको ख़त्म करते हैं, फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि ये कितना साफ़ हो गया है। तो अभी बहुत काम बाकी है, तो अभी जो है वो इसका फर्स्ट एपिसोड है बस। तो ये देखो भाई पूरा क्लीन हो गया है, पूरा क्लीन, पूरा साफ हो चुका है। तो ऊपर से व्यूज़ देखो इसका, ये थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो साफ़ हुआ है भाई। अभी जो है इन पर ब्लॉक्स लगने हैं घास वाले, ये पूरा क्लीन जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा बिल्कुल ही। तो अभी जो है ना वो पूरा इसको करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो आज जो है वो काम करते हैं जितना भी हुआ, तो फिर सुबह को इसको कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो ये सुबह ही चल रही है, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ भाई, ये सुबह ही तो चल रही है। तो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद व्यू। तो सुबह तो हो गई है, अभी जो हम वो काम करेंगे जो कि बहुत ही सारा इम्पोर्टेंट काम होता है, वो काम वो है जो गेट के साथ थी है ना। तो भाई ये कहाँ से गिर गया मैं, ये इसको बंद करना पड़ेगा भाई, इसको बंद करना पड़ेगा, बट अभी छोड़ो किसी काम का नहीं। तो यहाँ से हमको तोड़ फोड़ करके अब जो है जो कलरिंग चूज़ करनी होगी, तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो हमको चूज़ करना है। बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि 2 कलर को मिक्स करके बनाया जाए, ताकि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और डिज़ाइन भी अच्छा लगे। तो अभी मैं चूज़ कर रहा हूँ कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो ये कलर जो है मैंने चूज़ किए थे, बट ये जो है बहुत घटिया किस्म के लग रहे हैं। तो अभी जो है इसको ख़त्म करते हैं, ये बाल का काम है जो फिर देखा जाएगा। तो गाइस अब हम सरफेस को क्लीन करते हैं और इसको भी कंप्लीट करते हैं, अभी काम रुका नहीं है, अभी बहुत सारा काम है। यहाँ से जो है वो पूरा ख़त्म करना है, और भी बहुत सारे काम हैं। तो अभी जो है हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, और फिर जो है हम इसको क्लीन अप करेंगे,
बिल्कुल क्लीन करेंगे, और यहाँ जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। उधर का साइड जो है वो अभी तक वहीं पर रुका है, तो इसको क्लीन करते हैं, फिर जो है वो उसको भी क्लीन करते हैं, और यहाँ जो है उसको भी साफ़ करते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स था। तो ये जो है बहुत घटिया किस्म लग रहा है, तो अभी जो है बहुत ही अच्छा लगने लगा है। तो इसको देखो देखो भाई, ऊपर से देखो यहाँ ये जो है वो थोड़ा क्लीन हो गया है, तो उस साइड जो है वो अभी तक काम नहीं हुआ, जो अभी जो है इसके बराबर ही करना है, मतलब तीन जो है वो करने हैं। तो अभी जल्दी से ये काम करते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो है हमने वो काम कंप्लीट कर लिया है। अभी जो है इस घर के बिल्कुल सामने जो है वो एक लाइन बनाएंगे दरवाजे के लिए, जो कि वो एंट्रेंस होगी, तो यहाँ पर सही रहेगा। तो यहाँ पर अब काटना शुरू करते हैं दीवारों को, और जो है यहाँ पर जो है वो जाने का रास्ता भी होगा, तो जल्दी से अब करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अब सही रहेगा। तो इसको ख़त्म करते हैं, फिर जो है वो आगे जाकर फिर सीढ़ियाँ भी लगेंगी इसके साथ ही। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पर जो दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं इनको जल्दी से कंप्लीट ख़त्म करते हैं भाई, स्लो स्लो नहीं चलना ना, तो जल्दी जल्दी फास्ट करना है ताकि टाइम कम लगे, और जो है बहुत सारा काम भी रह चुका है। अभी तो मैं यहाँ घर तक अपने घर तक जो है वो ख़त्म कर चुका हूँ, घर तक लगाते हैं, फिर मुझे घर भी तोड़ना होगा, शायद शायद नहीं पूरा घर तोड़ना होगा। तो ऊपर से जो है वो सीढ़ियाँ लगेंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जल्दी से जो है वो यहाँ का काम कंप्लीट करते हैं फुल, और जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये घर भी तोड़ना पड़ेगा, TNT से ही शायद से तोड़ना पड़ेगा, बट अभी जो है हम रास्ता बनाएंगे बीचों बीच यहाँ घर से, तो अभी से जो है वो तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है वो देखना कि मैं यह कैसे काम कर रहा हूँ, अपने घर को ही तोड़ना भाई, अपने घर को ही तोड़ना पड़ेगा। देखो भाई ये देखो ये कितना ऊपर था, वो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, तो यह भी दीवार तोड़नी होगी। यहाँ से बेड का शायद से टुकड़ा बच सके, तो यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आगे जाकर वो सीधे में कन्वर्ट होगी। तो अभी जो है यहाँ तक हो चुका है, तो भाई कंप्लीट तो कर लिया था। अभी ऊपर से ये देखो व्यू, ऊपर से व्यू कुछ इतना ही हो रहा है। तो अभी जाकर ऊपर सीढ़ियाँ भी बनानी हैं, तो सीढ़ियों के लिए वो है मुझे जगह ढूंढनी होगी। तो यहाँ तक मुझे इस साइड से उस साइड से काटना पड़ेगा बहुत सारा ब्लॉक, तो तभी जाकर वो सीढ़ियाँ होंगी। तो अभी जल्दी से सीढ़ियाँ बनाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। ऊपर तक बिल्कुल ऊपर तक सीढ़ियाँ बनेंगी, तो जल्दी से वो कंप्लीट करते हैं। तो सीढ़ियाँ तो कंप्लीट हो चुकी हैं, मैंने बना लिए थे, बस थोड़ा सा ये टुकड़ा रहता है, तो अभी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, मैं फिर दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के, तो व्यू दिखाता हूँ आपको। इतनी बड़ी ऊपर तक मैंने बनाई है, देखो भाई यहाँ तक चलता ही जा रहा है। अभी यहाँ तक अभी यह जो है फ्लैट बनेगा उस साइड से और उस साइड से, और नीचे रूम भी होंगे, और कासल बहुत बड़ा ही होगा, तो पीछे की तरफ भी बढ़ेगा और आगे की तरफ भी इंक्रीज होगा। तो अभी जो है वो जो है अभी इसका ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जो है वो उस साइड से और बिल्कुल जो है कासल को पूरा क्लीन करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं, फिर जो है वो बहुत अच्छा लुक आएगा। तो अभी चलते हैं सीधा गेट पर, और जो है वो
इसको घास को क्लियर करते हैं, बिल्कुल साफ करते हैं। तो अभी जो है वो मुझे देखना पड़ेगा साइज़। तो ये जो साइज़ है घास की वो एक ऊपर है, मतलब कि ये जो है ब्लॉक्स एक ऊपर लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है फिर साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल रोड के साथ। तो ये देखो भाई, ये जो है वो मैं लगाने जा रहा हूँ, तो सही है। अभी जल्दी से ये लगाते हैं, क्लियर करते हैं, फिर जो इफेक्ट दिखेगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बचेगा, क्योंकि जो है वो क्लियर करना है सारा कुछ। तो जल्दी जल्दी करते हैं, कासल को बनाते हैं। इसके शायद से मेरे ख्याल से 15-20 एपिसोड्स बन सकते हैं शायद से, क्योंकि मैं इतना बड़ा बनाऊंगा वो भी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ही होगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा वो कासल। जो अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, आपको इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा कि मैं किस टाइप का ये बनाऊंगा। तो अभी जो है वो हम ब्लॉक लगाएंगे, बिल्कुल सरफेस जो है क्लियर करते जाएंगे थोड़ा बहुत। तो अभी जो है हम फिर से ये ख़त्म करेंगे, गैस जो है इसको क्लियर करेंगे वहाँ से। तो अभी तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा भाई, अभी जो है वो काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है मेरे हिसाब से। तो 1 मंथ लग जाएगा मुझे इसको बनाने में। तो मैं आपको फुल डिटेल्स बाय डिटेल्स बताता जाऊंगा। तो अभी जो है हम इसको पूरा क्लियर करेंगे वहाँ से जाकर पूरा एंड तक, ठीक है। तो अभी जो है जस्ट इसको कंप्लीट करते हैं। तो कल सुबह से मैं लगा हुआ था, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी यहाँ साइड बिल्कुल सफ़ेद क्लीन नीट क्लीन हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ घास ही दिखाई दे रही है। तो अभी जस्ट इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर जाके अच्छा लगेगा। आज का दिन भी इसमें ही निकल गया क्या, मुझे यहाँ काम करते हुए शायद से 15 दिन हो चुके हैं। तो अभी जो है वो यहाँ पर ही अटका हुआ हूँ, तो मेरे ख्याल से 200 दिन लग जाएंगे माइनक्राफ्ट वाले। तो अभी जो है वो इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो उस साइड से जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है, अभी इस साइड से काम काम करते हैं। तो अभी इसके जो है वो 2 ब्लॉक्स काटने पड़ेंगे, दो दो नीचे, एक ऊपर जो है वो घास लगेगी। अभी जो है कंप्लीट करते हैं इसको बनाने में, मुझे तकरीबन तकरीबन 6 से 7 दिन लग जाएंगे, तो माइनक्राफ्ट वाले 7 दिन। तो जल्दी से करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कि कैसा लुक दिखाई दे रहा है। और सामने वाला जो है वो घर भी तोड़ना पड़ेगा, और मुझे जो है वो घर एक छोटा सा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रहूँगा की तरह। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी आते हैं, तो जो है ना वो तंग करते हैं, इस वजह से मुझे एक छोटा सा कमरा बनाना पड़ेगा लाल के तौर पर। तो अभी जो है वो यहीं पर ही गुजारा करेंगे, तो जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। मेरे ख्याल से जो ना वो यहाँ पर जो है टाइम बहुत लगने वाला है, तो इस वजह से मुझे TNT के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 3-4 ब्लॉक्स नीचे काटने पड़ेंगे, फिर ही जाकर अभी जो है मैं एक काट TNT लगा कर इसको ख़त्म करता हूँ। तो यह देखो 3-4 ब्लॉक्स का नीचे यहाँ तक करते हैं, भी जो है वो मेरा घर तबाह ना हो बस। तो यहाँ जो है वो बिल्कुल ही ज़मीन जो है कितनी साफ़ हो गई है, सिर्फ 5-6 TNT में। तो अभी मैं ये कंपार रहूँगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं।
तो अभी जो है मुझे 2-3 काम करते हुए लग चुके हैं और मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि ऊपर से ये उधर भी कंप्लीट हो चुका है और इधर भी कंप्लीट हो चुका है, बट उधर की साइड जो है वो बहुत ही गंद मच चुकी है। तो यहाँ जो है बहुत ही टाइम लगने वाला है, तो जल्दी से करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं। मेरे ख्याल से TNT ही यूज़ होगी। अभी जो फ़िलहाल जो है मुझे वो सामने घर बनाना पड़ेगा, वो यहाँ पर रहना पड़ेगा और फिर उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर मैं जल्दी से ये काम कंप्लीट करता हूँ। और भाई ये कहाँ आगे आ गई, निकलो भाई निकलो यहाँ पे। फ़िलहाल अब मैं अपना काम करता हूँ, ये तो गोल चक्कर लगा रही है। तो अभी जो है मैंने घर बना लिया है, एक छोटा सा एक रूम बना लिया है। तो अभी जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा और इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं अभी वहाँ तक जाऊँगा, दूर तक, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ तक प्लान किया है कासल को बनाने के लिए। तो अभी जो है वो कासल को बनाने के लिए यहाँ तक ही काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस है और इसमें जो है छोटा पानी, इसको ख़त्म करेंगे। अभी तो फ़िलहाल उसको कंप्लीट करेंगे, फिर ही वो काम करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर और सो जाता हूँ। तो आज आप इसको वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।